यहां से गिरा है वो। आराम से आराम से, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होगी। आराम से, कुछ गड़बड़ है यहां पे। ये देखो, ये गमला यहां से गिरा है। इस आदमी को शायद धक्का दिया गया है, कूदा नहीं है यहां से। और नीचे भी वो पीठ के बल गिरा था, अगर कूदा होता तो पेट पर गिरता। जिस आदमी ने इसे देखा उसने कुछ बताया क्या? वो सामने वाले मिल में वॉचमैन है, जैसे उसने चीख सुनी वो भागता हुआ यहां पर आया, पर उसने यहां पर किसी को देखा नहीं। अच्छा, ये गिरने वाले ने कुछ कहा? नहीं सर। हाँ सुधाकर, गिरने वाले की जेब में से ये मिला है। इंस्पेक्टर पवन कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर का कार्ड। काफी हड्डियां टूट गई है सर। जी हाँ सर, मैं ही इंस्पेक्टर पवन कुमार हूं। मैं कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में हूं। अच्छा, जो आदमी ऊपर से गिरा उसकी जेब में से आपका कार्ड मिला, वो कैसे? सर, ये आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया था और इसे 4 साल की सजा हुई थी। तो ये एक अपराधी है? जी नहीं सर, अपराधी था, अब नहीं है। ये जेल से पैरोल पर छूटा है और मैं इसका पैरोल ऑफिसर हूं। इसे हर हफ्ते मुझसे मिलना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। अच्छा, पर अभी तो इसका बचना मुश्किल लगता है। जी सर, लेकिन सर इसे धक्का किसने दिया होगा? ये तो एकदम शरीफ आदमी हो गया था। शरीफ आदमी? शरीफ आदमी की जेब में ये चाकू कैसे? चाकू? सर इसकी जेब में कैसे? ये तो जब चोरी किया करता था तब भी कभी चाकू साथ नहीं रखता था। ये तो एक मामूली सा चोर था, चोर। अच्छा, इसके परिवार में कोई है? जी सर, पत्नी है। जरा बुलाइए उन्हें। जी सर। सर, इनका नाम स्मृति है। इन्हें ये नहीं मालूम कि सुंदर की जेब में चाकू कहां से आया। सर, अगर डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया। सर, लगता है सुंदर अब नहीं बचेगा। जरा जरा सा होश आता है उसे बीच बीच में। डॉक्टर साहब ने कहा है आपको जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। सर, लेट्स गो। सुंदर, बताओ ये किसने किया? किसने किया ये बताओ। सुंदर, मैं खूनी नहीं है। खूनी? कौन खूनी? मैं मना किया, मुझे ऊपर से फेंक दिया। किसने फेंका? मना किया। सुंदर, 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 बताओ सुंदर, किसी ने तुम्हें खून करने के लिए कहा? हाँ, तुमने उसे मना कर दिया? हाँ, तो उसने तुम्हें नीचे फेंक दिया? सुंदर, सुंदर, उसने तुम्हें नीचे फेंक दिया?
सुंदर। कौन है वो सुंदर जिसने तुम्हें पैसे दिए? बताओ सुंदर। सुंदर नहीं, सुंदर सुंदर तो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। सुंदर स्मृति मुझे माफ कर दे, मुझे खोनी नहीं। सुंदर 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 बताओ तुम किसका खून करने जा रहे थे? हाँ किसका खून करने वाले थे तुम? सुंदर बताओ सुंदर। चौदह चौदह क्या सुंदर बताओ सुंदर। द्वारका कॉटेज। हाँ बोलिए। हार सुंदर 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 सुंदर। कौन है? सीआईडी दरवाजा खोलो। सीआईडी? जी हाँ। कार्ड दिखाइए अपना। लेकिन इतनी सुबह सुबह क्या काम है? एक आदमी अस्पताल में मर गया है करीब ढाई घंटे पहले। उसे किसी ने धक्का दिया था बिल्डिंग के ऊपर से। लेकिन लेकिन इस सब का मुझसे क्या मतलब? उस आदमी ने मरते मरते आपका एड्रेस बताया है, 14 द्वारका कॉटेज खार। क्या उस आदमी ने आपको मेरा पता बताया था? जी हाँ। इसका मतलब कोई मुझे भी मारना चाहता है। अब क्या मालूम क्या बात है, यही तो पता लगाने के लिए हम यहां आए हैं। वैसे यहां और कौन कौन रहता है? जी 6 महीने पहले तक तो मेरी पत्नी नेहा और मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ थे, लेकिन अब कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूं। आपकी पत्नी कहां गई? जी वो चली गई। क्यों? जी बस ऐसे ही। ऐसे ही। वैसे आप डर डर के दरवाजा क्यों खोल रहे थे? आपको किसी से खतरा है क्या? हाँ साहब खतरा तो है ही। आप देखिए ना, आप मेरी आंसरिंग मशीन पे ये सुनिए जरा, ये मैसेज सुनिए। अबे प्रमोद फोन उठा, उठा फोन। अबे तू क्या समझता है ये मशीन तुझे बचा लेगी है? अबे 5 लाख लेने हैं तुझसे, 5 लाख समझा? क्या करूं साहब, मुझे जुए की लत लगी हुई है, छूटती ही नहीं। इसीलिए आपकी पत्नी आपको छोड़कर गई है? जी हाँ। वैसे ये 5 लाख रुपए किसको देने थे? साहब वो फुटबॉल मैच का फाइनल चल रहा है ना, उसमें लगाए थे 5 लाख। अच्छा। बेट हार गया तो बुकी को देने। ये बुकी है कौन? सब लोग उसे पापा जी कहकर बुलाते हैं। पहले तो अच्छा आदमी लगता था साहब, लेकिन जब से मैं पैसे हार गया हूं पूरा राक्षस बन गया है राक्षस। वो मेरा जीना हराम कर दिया है उसने, मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता हूं। तो आप उसके पैसे दे क्यों नहीं देते? कहां से दूं साहब, है ही नहीं। ये जगह बेचने की कोशिश की तो नेहा बेचने नहीं देती, वो हम दोनों के नाम है ना ये जगह। आपको क्या लगता है ये पापा जी आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ साहब। क्योंकि आपने उनके पैसे नहीं दिए इसलिए? बिल्कुल। जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो मेरा दिल कांप उठता है, मैं समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। आपके इस पापा जी से मुलाकात हुई कैसे? मैं उसे कभी मिला नहीं, बस फोन पर ही बात होती थी। अच्छा। उसका नंबर हर 15 दिन में बदल जाता है। हाँ। फिर कोई ना कोई फोन करके बता देता है कि नंबर बदल गया। ऐसा कीजिए इस पापा जी का नंबर हमें दे दीजिए, वो अभी का नंबर है ना आपके पास? लगता है बहुत सस्ते में छूट गए, मगर वो बेचारा दूसरा वो नहीं बच सका है। शायद इस पापा जी का इस खून से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर प्रमोद ने जो हमें फोन नंबर दिया था पापा जी का, वो किसी क्रेहान मिल्स का नंबर है। क्रेहान मिल्स? हाँ सर।
ये मिल तो बंद हो गई है, मगर वहाँ छोटे छोटे गाले और ऑफिसेस बन गए हैं जो अलग अलग लोगों को किराए पे दिए गए हैं। अच्छा, ये फोन उन्हीं में से एक का है सर। लगता है ये गाला पापा जी का ही है सर। आओ तो बड़ेगा। अरे वाह, वंडरफुल, कमाल हो गया, अब मिलेगा बहुत अच्छा। माफ करना पापा जी, धंधे के टाइम में आपको डिस्टर्ब किया। कौन है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। प्रमोद के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। प्रमोद? हाँ प्रमोद, हम तो ये सुना हुआ लगता है। अच्छा, आप इसे पहचानते हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये आदमी प्रमोद को मारने के लिए भेजा गया था। प्रमोद को? प्रमोद ने आपका बहुत पैसा देना है ना? बाद में फिर इस आदमी ने एक काम करने से मना कर दिया, या फिर उससे एक काम नहीं हुआ तो बेचारा मारा गया। आपने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया। जी, मैं धंधे वाला आदमी हूँ, अगर अपने ग्राहकों को मरवा दूंगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, सोचिए। अच्छा, आपने कभी प्रमोद को धमकी नहीं दी थी? धमकी? हाँ धमकी। वो तो बस यूं ही थोड़ी सी जरा जोर से बोला था मैसेज उसकी आंसरिंग मशीन पर। फिर ये आदमी क्यों मरा? मैं क्या बताऊं क्यों मरा। हाँ तो ऐसी पिसा, आखिर किसी ने प्रमोद को खत्म करने की कोशिश कर ही दी। एक न एक दिन तो ये होना ही था, क्योंकि इतनी बुरी तरह वो अपने बुरे कर्मों के दलदल में फंसा हुआ था कि मैंने सोचा प्रमोद की खबर सुनकर आप चौंक जाएगी। मैं क्यों चौंकने लगी? मुझे तो वो घर छोड़ना पड़ा, वो भी अपने बेटे के साथ, ताकि कहीं ये भी न बिगड़ जाए। बिगड़ जाए कैसे? इतने सालों तक मैं चुपचाप सहती रही, हर रोज पीना, दिन रात जुआ। मेरे पिताजी ठीक कहते थे, बेटा तूने तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इस जुआरे से शादी करके। खैर, अब तो मैं खुश हूं, एक बार डिवोर्स हो जाए फिर अच्छा है। क्या आपको मालूम है कि उसने एक बुकी को 5 लाख रुपए देने हैं? हाँ मुझे मालूम है। मालूम है? मालूम है? हाँ, वो यहाँ आया था, 5 लाख रुपए मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मकान बेच देते हैं। मकान तो हम दोनों के नाम पे है ना, वो कैसे बेच सकता है? फिर क्या, कहने लगा मैं सुधर जाऊंगा, पीना छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा। छोड़ देगा? मैंने कहा पहले मुझे डिवोर्स दे दो, बच्चा मुझे दे दो, फिर बेचने दूंगी मकान। लेकिन वो नहीं माना। निया जी, आपके पति के सामने मौत खड़ी है, वो आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, फिर भी आप उसकी मदद करने को तैयार नहीं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ना। देखा तुमने इस औरत के दिल में कितनी नफरत है अपने पति के लिए, उसे चाहे कुछ भी हो जाए इसे कोई परवाह नहीं। और वो ये नफरत छुपा भी नहीं रही है सर। वैसे सर लगता है पापा जी भी सही कह रहा है, ग्राहक को मारने से क्या फायदा। मगर प्रमोद के पास पैसे है किधर देने के लिए? मगर एक बात है सर, नेहा को मालूम है प्रमोद ने पापा जी को 5 लाख रुपए देने हैं। हाँ, ये कोई बड़ा चक्कर है जिसमें इन दोनों का हाथ है, पापा जी का और नेहा का। दोनों में से एक ने या फिर दोनों ने मिलकर सुंदर को कहा होगा कि प्रमोद को उड़ा दो, या फिर सुंदर के पीछे किसी तीसरे का हाथ है। एक चोर 4 साल जेल की सजा काटकर बाहर आता है और थोड़े दिनों बाद फिर से बुरे काम शुरू कर देता है और फिर खून करने पर उतर आता है। नहीं सर, सुंदर सुधर गया था। जब वो जेल से बाहर आया तो इतना डरा हुआ था कि पूछो मत। मैंने उसे गैरेज में काम दिलाया था। वो तो उसने छोड़ दिया था। नहीं, मालिक ने निकाल दिया। उसे पता चल गया कि ये जेल की सजा काट के आया, उसके बाद काम मिला ही नहीं उसे।
तो फिर उसका घर कैसे चल रहा था? उसकी औरत घरों में काम करती थी सर, वो काम भी छूट गया। तो हालत इतनी खराब हो गई थी सर कि मुझे डर था कि कहीं वो वापस चोरी शुरू ना कर दे। आखिर में उसे वही तो किया, चोरी तो छोड़ो, किसी ने उसे खून करने के लिए भी राजी कर लिया था। नहीं सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो खून करने वाला अपराधी नहीं था। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर पवन, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे उसकी और आपकी भाई बंदी थी, कोई रिश्तेदार लगता था आपका? नहीं सर। सर आपने बात तो बहुत सीरियस कह दी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसे किसी ने फंसाया है। कौन हो सकता वो? कोई आदमी है जिसने सुंदर को पापा जी से या नेहा से मिलवाया था। अगर वो मिल जाए तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। क्या बताऊं साहब उसे क्या हुआ था, पता नहीं किसने बसा दिया उस गरीब को। साहब जब से वो आदमी घर पे आया ना, बस तभी से सब कुछ बदल गया। कौन सा आदमी? वो तो मालूम नहीं कौन था साहब। क्या आपने उस आदमी को पहले कभी देखा है? नहीं साहब, पर मैकेनिक जैसा दिखता था। नाम बताया था उसने अपना? कब आया था वो सब कि मरने से तकरीबन हफ्ता भर पहले। ये कोई 18 तारीख थी साहब। अच्छा, कह क्या रहा था वो आदमी? कह रहा था कि सुंदर को पेट्रोल पंप पे आने को कहना, कोई काम की बात है। फिर अगले दिन वो पंप पे गया, मगर रात को देर से लौटा, एकदम उदास। मुझे लगा कि नौकरी नहीं मिली इसकी, पर उसके बाद वो एकदम बदल गया। कैसे? एकदम चुप हो गया। दूसरे दिन भी वो सारा दिन गायब रहा। रात को 2 बजे घर लौटा। मेरी तो समझ में ही नहीं आया साहब कि ये क्या हो गया। तो क्या वो दूसरे दिन ठीक हुआ था? 2 दिन तो वो घर में ही पड़ा रहा, से बाहर जाता, पी के घर आ जाता। फिर 22 तारीख को वो घर से बाहर निकला साहब, उसके बाद तो वापिस ही नहीं आया। क्या इस दर्पण ने बताया कि ये पेट्रोल पंप कहां पर है? नहीं साहब। अच्छा ठीक है। इस एरिया के और शहर के सारे पंप छान लो, देखो दर्पण कहां काम करता है। हाँ अभिजीत, मुझे मालूम है ये घास में सुई ढूंढने के बराबर है, मगर सुई तो ढूंढनी पड़ेगी ही, मैं ना सुनना नहीं चाहता। देखो कंट्रोल रूम ने सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया है, वो अपने अपने एरिया के पेट्रोल पंप चेक कर रहे हैं। मुझे किसी भी हालत में ये दर्पण चाहिए, समझे? अभी एक मिनट होल्ड ऑन करो। हेलो, हाँ एसीपी प्रद्युमन है। हु? मिस्टर कन्नन। हाँ ओके ओके। यस यस, ओ इज दैट सो, वी विल बी देयर।
हाँ हाँ बस समझो हम पहुंचे। ओके अभिजीत हेलो सुनो, इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंचा है वही रोक दो, हमें प्रमोद के घर पहुंचना है। प्रमोद के घर पहुंचो, मैं वही मिलता हूं। करीबन एक घंटा पहले फोन आया था और जैसा कि आप लोगों ने कहा था मैंने कॉलर आईडी लगाया हुआ था। मोबाइल फोन से किया गया। मैंने फोन उठाया, बस उसके बाद की बातचीत आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मैंने पूरी रिकॉर्ड की है, मेरी मशीन में दोनों तरफ की आवाज रिकॉर्ड होती है। हेलो साले, पुलिस को हमारे पीछे लगवा कर सोचा कि बच जाएगा? पापा जी देखिए, मैं पैसे लेकर मैं बकवास बंद कर, तुझे क्या लगा वो साला सुंदर मर गया तो तेरा टेंशन खत्म? वो तो डरपोक था, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला, लगा चुका हूँ एक और को तुझसे निपटने के लिए। बेटा तू तो अब गया, मगर देखिए देखिए सुनिए बाबा जी, हम एक बार तो बात कर सकते हैं। मैं पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं हेलो हेलो अब आप ही लोग बताएं कि मैं क्या करूं। पैसे तो किसी भी तरह से मैं नहीं चुका सकता, वो उड़ा ही देगा मुझे। अब नेहा से बात की थी, वो कहती है पहले डिवोर्स दो फिर बात करूंगी। चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है एसीपी साहब। इतने घबराते क्यों? मैं तुम्हें अपना गार्ड देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये टेप हम लोग ले जाते हैं, ठीक है? जी अच्छा। सर ये मोबाइल फोन नंबर 9831173342 एक मिस प्रीति देसाई का है। प्रीति देसाई? ये कौन फंस गई इस चक्कर में? नहीं सर, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं? तो फिर उसका नंबर कैसे आया प्रमोद के टेलीफोन पर? सर प्रीति अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल रीजेंसी गई थी खाना खाने के लिए, वहां से वो घर वापस आई तो पता चला कि उसका मोबाइल फोन वहीं टेबल पर छूट गया था। उन लोगों ने होटल में जाकर पूछा तो फोन का कुछ पता नहीं चला सर। अच्छा, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही है? लगता तो नहीं है सर, चेकिंग चालू है और वो किसी प्रमोद को भी नहीं जानती सर। अच्छा, दया फोन करने वाला आदमी बहुत स्मार्ट है, और अभी अभी खबर मिली है कि पापा जी की जमानत हो गई है, उन्हें उठा के लाओ घर से। कोर्ट ने जमानत दे दी है, और अभी मैंने घर में पैर रखा भी नहीं था कि आपके ये पहलवान पहुंच गए और मुझे यहां ले आए, ये बात ठीक नहीं है। घर में पैर नहीं रखा वाली बात सही है पापा जी, मगर ये कैसे हुआ कि जैसे ही आपने जेल के बाहर कदम रखा वैसे ही प्रमोद के घर में आपका फोन गया? मेरा फोन? नहीं, आपका फोन मतलब आपके किसी आदमी ने फोन किया था। एसीपी साहब आपने भी दुनिया देखी, आपको क्या लगता है मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? साले पुलिस को हमारे पीछे लगवा कर सोचा कि बच जाएगा? पापा जी देखिए, मैं पैसे लेकर मैं बकवास बंद कर, तुझे क्या लगा वो साला सुंदर मर गया तो तेरा टेंशन खत्म? वो तो डरपोक था, लेकिन इस बार मैं कोई गलती। आप ये सब मुझे बार बार क्यों सुना रहे हैं? मैंने कहा ना प्रमोद से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस अब इसका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करता है। हाँ डिवोर्स तो होता ही रहेगा नेहा जी, पर मुझे लगता है आपने ही किसी से ये फोन करवाया होगा। मैं भला क्यों फोन करने लगी? प्रमोद से आप इतनी नफरत करती है, मुझे तो लगता है आपने ही सुंदर को पैसे दिए होंगे प्रमोद को मारने के लिए। मगर वो बेचारा डर गया, तो पता नहीं कैसे आपने उसे रास्ते से हटवा दिया ताकि वह पुलिस के पास न जा सके। एक औरत जो पति से अलग होकर न जाने कैसे गुजारा कर रही है, वो भला ये सब कैसे कर सकती है? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? बोलो। हाँ साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। इस दर्पण के बारे में क्या खबर है? हाँ साहब, वो यही काम किया करता था दो दिन पहले तक, ये यहाँ के मालिक है। नमस्ते, हम CID से आए हैं। मैं घनश्याम हूँ, कहिए क्या बात है? इस दर्पण के बारे में पूछना था। दर्पण? हाँ। क्या बताऊँ साहब, एक नंबर का हरामी आदमी था, इतनी बदमाशी किया करता था कि पूछिए मत। अरे कभी ये चोरी कभी वो चोरी, तीन बार तो पेट्रोल चोरी करते हुए पकड़ा गया। मुझे आया गुस्सा, मैंने निकाल दिया। अब कहाँ होगा वो? अब पहले तो यही सोया करता था, अब कहाँ होगा मैं नहीं कह सकता। अच्छा आप इसे जानते हैं? अरे ये तो यहाँ काम मांगने आया करता था। अच्छा, अब के बाद आएगा तो इसे काम जरूर दूंगा।
अब इसे काम की जरूरत नहीं है। क्यों? ये ऊपर जा चुका है। ओ। लगता है हम सही जगह पर आए हैं। यस सर। सुंदर यहाँ काम मांगने आया और दर्पण से मिला होगा। अच्छा एक बात बताइए, दर्पण का यहाँ कोई दोस्त वोस्त है जिसे वो मिलने आएगा? अब सर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, वो अपनी पगार नहीं ले गया। पगार? जी हाँ, मैंने उसे कहा था महीने के आखिरी में आके पगार ले जाना। महीने के आखिरी में? जी हाँ। मतलब कल? जी हाँ कल शायद आ जाए। उस पेट्रोल पंप पर कड़ी निगरानी रखो, दिन रात पता नहीं वो दर्पण कब आ जाए। यस सर। स्मृति जी आप भी हमारे साथ आइए, आपने दर्पण को देखा है, आप शायद उसे पहचान सकती है। जी हाँ साहब, उसी की वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। अगर वो ही इस केस की जड़ है तो उसी से पता लग सकता है कि प्रमोद के पीछे सुंदर को किसने भेजा, प्रमोद की पत्नी नेहा ने या फिर पापा जी ने। लगता है वो आएगा। लगे ना लगे, अपना तो काम इंतजार करना। फ्रेडरिक्स और सुधाकर जमे हुए हैं? हाँ, फ्रेडरिक्स वहाँ कोने में खड़ा है, गाड़ियों में हवा भर रहा है। सुधाकर कार में है, स्मृति भी है उसके साथ। अरे ये क्या, एसीपी साहब आज नई कार में? अरे इधर आओ। हाँ सर। गाड़ी में ऑयल पानी चेक करो। अच्छा सर। ऑयल चेक करने आता है ना? नहीं आता है तो सीख लेंगे। अरे सीखना है? जाओ जाओ देखो। अरे नया आदमी लगता है तू। साहब यही है। यही है? हाँ साहब। क्यों घनश्याम सेठ, तीन दिन भी नहीं हुए मुझे यहाँ से जाके, तुमने नया आदमी रख लिया? हाँ क्यों बे, पगार कितना देता है? बहुत कंजूस है एक नंबर का। सेठ अपना पैसा तैयार है क्या? मैं देता हूँ तुझे पगार। पैसा चाहिए? देता हूँ तेरे को पैसा। चल। ए, मेरे सुंदर को किधर फंसाया तूने? बताओ बताओ। पानी पानी चाहिए, पानी दो इसे। बोलो सुंदर को कैसे जानते हो तुम? वो दो दिन बाद हमारे पेट्रोल पंप पर आया था। काम मांगने के लिए बस। मुलाकात हो गई है? क्यों? पागल आदमी था, सच बोल दिया मालिक को कि जेल से छूट कर आया। तो तूने लपेट लिया उसको? हाँ मुझे पता चला कि वो चोरी के जुल्म में जेल गया था। अच्छा ये बता दो उसके घर क्यों गया था? हैं सच सच बता वरना। वो ऐसे ही हैं? वो हमारे पेट्रोल पंप पे एक आदमी आया था पेट्रोल भरने के लिए। उसकी कार में सूटकेस रखे हुए थे। सूटकेस? फिर बातों बातों में उसने कहा कि वो शहर से बाहर जा रहा था, उस आदमी का पता था हमारे पंप पे। क्या क्या करते हैं ये बदमाश लोग। फिर क्या किया तुमने, उसका पता निकाला? फिर रजिस्टर में से उसका पता निकाला। उस आदमी के घर गया।
बाहर देखा तो घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था तो घुस गया घर में हैं? नहीं, अरे सुंदर को बताया। सुंदर को बताया? अरे बोला पूछा घर में कर ले चोरी आधा आधा बांट लेके। तो मान गया? नहीं, पहले तो नहीं पता, मगर उसकी भी हालत खराब थी इसलिए मान गया। फिर क्या हुआ? बाद में वो आया ही नहीं, मैं उस आदमी के घर में गया। वहां देखा मालिक था घर पे, आसपास लोगों से पूछताछ की, वो पता चला कि यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी। चोरी नहीं हुई? क्या नाम है उस आदमी का? घर का पता बताओ। उस आदमी का नाम है प्रमोद। और एड्रेस? 14 द्वारका कॉटेज खार। 14 द्वारका कॉटेज खार? अरे ये तो वही प्रमोद है। यस सर। इसका मतलब है सुंदर प्रमोद के घर चोरी करने गया था, खून करने नहीं। तो फिर वो बार बार मरते वक्त क्यों कह रहा था कि मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं? सर, प्रमोद को लाए? नहीं, पहले पापा जी को बुलाओ। देखिए साहब, जब आप ठोक बजाकर किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, तब मुझे यहां बुलाइए। यूं घड़ी घड़ी बुलाकर मुझे यहां बैठाने से तो अच्छा है कि आप इस कुर्सी से बांध दीजिए मुझे। अरे पापा जी, आपको यहां बांधकर हमें क्या फायदा होगा? बोलिए। अब फायदा तो हमें तब होगा जब आप अपने होंठ खोलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। अब होंठ तो होंठों का क्या है? है वैसे है। अभिजीत, 18 तारीख को दर्पण सुंदर से मिला। उसने सुंदर को बताया कि प्रमोद के घर में कोई नहीं है, जा चोरी कर ले। और 19 तारीख को जब सुंदर घर वापस लौटा तो उसके हाव भाव बिगड़े हुए थे, वो बौखलाया हुआ था। और 22 तारीख को वो मर जाता है ना पापा जी। और ऐसा भी हो सकता है कि जब सुंदर प्रमोद के घर में घुसा तो वहां उसे कोई मिल गया, शायद आपका आदमी, क्योंकि प्रमोद घर पर था ही नहीं। नहीं, मेरा आदमी सुंदर से नहीं मिला, मेरा आदमी प्रमोद से मिला। प्रमोद से? प्रमोद से? प्रमोद तो हाँ, मैंने उसके पीछे एक आदमी लगा रखा था। उसने मुझे बताया कि प्रमोद शहर छोड़कर भाग रहा है। फिर क्या? मैंने उसे जाने नहीं दिया, रोक लिया। ओ, तो इसका मतलब है प्रमोद बेचारा शहर छोड़कर भाग ही नहीं सका। फ्रेडरिक्स, न्याय को लेकर आओ। यस सर। पता चल गया सर? हाँ, सब पता चल गया। चलिए न्याय जी। एसीपी साहब, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ न्याय जी, इन्होंने सब कुछ बता दिया। बता दिया? हाँ सब कुछ। अरे मैंने क्या बता दिया है? जो कुछ हुआ वही तो बताया है। और न्याय जी, दर्पण भी पकड़ा गया और उसने ये भी बताया कि उसकी और सुंदर की क्या बात हुई। खूनी का पता चल गया न्याय जी। मैं तो जिस वक्त से वो फोन आया है डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकला हूं। अपने आप से ही डर के घर में घुस के बैठे रहने में क्या फायदा है? मतलब ये कि ये खून तुमने किया है, तुमने सुंदर को मारा क्योंकि उसे तुमने किसी को मारने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। वाह साहब, अच्छा मजाक है। आपने तो खुद सुना था टेप में कैसे धमका रहा था मुझे। हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग कैसे हुई थी मैं बताता हूँ। ये मेरा सेल फोन है, इससे मैं तुम्हारे घर का फोन लगाता हूँ। 02246711122। ये बजा तुम्हारा फोन, ये फोन मैंने यहां रख दिया। फोन मैंने उठाया। हेलो हेलो, मैं प्रमोद बोल रहा हूं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, नहीं ना, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। ये मैंने फोन यहां रख दिया। हेलो, क्यों पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया? हाँ, तुझे क्या लगा तू बच गया? हाँ, उधारी खत्म हो गई, तू तो गया काम से, समझे? हेलो
हेलो पापा जी, पापा जी मैं किसी भी हालत में आपके पैसे लौटा दूंगा। दोनों तरफ तुम्हारी आवाज। क्यों? लेकिन मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं। वो मोबाइल फोन तुमने होटल रीजेंसी से चुराया था। प्रीति देसाई नाम के एक लड़की का मोबाइल फोन होटल रीजेंसी में खो गया था। हमने तुम्हारी फोटो होटल में दिखाई, वहां के वेटरों ने तुम्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा कि उस दिन तुम वहां खाना खाने गए थे जिस वक्त प्रीति देसाई भी वहां खाना खा रही थी। बोलो, तुमने सेलफोन चुराया था या नहीं? बोलो 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 बोलो, वरना कुछ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? क्या मालूम, चुराया था या नहीं? बोलो क्या बताओ। हाँ, अब सारा मामला क्या है जरा प्यार से बताओ। 19 तारीख को जब मैं शहर से भागने की कोशिश कर रहा था तो पापा जी के आदमियों ने मुझे रोक लिया। रात को घर में मैं बैठा सोच ही रहा था कि क्या करूं, तो इतने में एक चोर मेरे घर में घुसा। पिछली बार मेरे को पकड़ी थी तो बहुत मार पड़ी थी मेरे को साहब। तो साहब पहले भी पकड़े जा चुके हैं? अच्छा, रुक रुक, मैं तेरा फोटो खींचता हूँ। तेरा फोटो खींचूंगा मैं। हिम्मत हिलियो नहीं, फोटो मत खींचो साहब। चल चल चल, ये अपना बचा उड़ा, बचा उड़ा, उठा उठा, बचा बचा उड़ा। चल 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 चल, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। हाँ, पूछो। चल चल चल, हाथ लगा, किसी चीज को हाथ लगा, हाथ लगा। चल चल साहब, मैं शादी शुदा हूँ, मेरी बीवी है साहब। अगर मैं जेल चला गया तो मर जाएगी साहब, मर जाएगी साहब। ये देख तेरा फोटो, मेरे घर में चोरी करते हुए तेरा फोटो। साहब साहब, मैं आपके पाँव मोड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा साहब, जो बोलेंगे। कुछ भी करेगा? हाँ, मैं कुछ भी करूंगा। तो तुमने उसे किसी का खून करने के लिए कहा? कहा, मगर किसका ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं और फंस जाऊंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मैं नहीं बताऊंगा। सीधी तरह बताते हो या? नहीं बताऊंगा। ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। मैं, ये मुझे मरवाना चाहता था, मुझे। एक बार मैं इसके रास्ते से हट जाती तो सारा कुछ इसका हो जाता ना। मगर ये भूल गया कि छोटे से बेटे का क्या होगा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि शायद सुंदर ने खून करने से मना कर दिया। हाँ, सुंदर ने 2 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर वो मुझे मिलने आया, मिल के छत पर। मेरे से नहीं होगा साहब, मैं बहुत सोचा करके, पर मेरे से काम नहीं होगा साहब। अगर नहीं होएगा तो तू जेल जाएगा। मैं पुलिस को बताऊंगा कि तू मेरे घर घुसा था, मेरा घर लूटने के लिए। ठीक है साहब, मंजूर है मेरे को, लेकिन
मेरे से ये काम नहीं होगा साहब। तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। नहीं साहब, अगर मैं बचेगा तो आप भी बचेगा साहब, आप भी जेल जाएगा साहब। हाँ मैं बोल देगा, मुझे 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 एक खूनी को हम लोग मासूम समझ बैठे, एक खून के जुर्म में और एक खून की प्लानिंग करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।